पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में रविवार को तरुण सुरक्षा के अभियान के तहत विद्यालय के वाहन चालकों व सहयोगी स्टाफ के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान परीक्षण शिविर में आए डॉक्टरों ने विद्यालय के वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में 15 दिनों से एक अभियान चलाया गया, जिसका नाम तरुण सुरक्षा है, जिसके तहत ट्रैफिक संबंधित व महिला अपराध संबंधित जितने भी अभियान चल रहे हैं उनको स्कूलों के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसको देखते हुए विद्यालय में छात्र व छात्राओं को लाने व ले जाने के लिए जितने भी वाहन चालक व स्कूलों में कार्य करते हैं उन सभी चालकों का मेडिकल चेकअप किया गया है, जिसमें आई चेकअप के साथ अन्य चेकअप शामिल है। इस चेकअप में जो लोग फिट होंगे उनको पुलिस की तरफ से प्रमाणित किया जाएगा व जो लोग अनफिट होंगे उनके विद्यालय को इसकी सूचना दी जाएगी, जिससे कि अनफिट वाहन चालक छात्रों व छात्राओं के वाहन को ना चलाएं और उनके लाइसेंस को भी चेक किया जा रहा है। इस अवसर पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही सहित अन्य डॉक्टर व विद्यालय के वाहन चालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रशिक्षु IPS CO प्रशाली गंगवार और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, कोई लक्षण नहीं होते हैं, ये साइलेंट किलर है। व्हाइट हाउस में चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, जहाँ पे विभिन्न स्कूल्स में जो ड्राइवर्स बसेस चलाते हैं उनका नेत्र परीक्षण हो रहा है और उनका और भी फिजियोलॉजिकल परीक्षण हो रहा है, जिससे वो यहाँ पे स्वस्थ हैं या नहीं और गाड़ी चलाने के लायक हैं या नहीं उस चीज़ का परीक्षण हो जाएगा और बच्चों को सही से स्कूल ले जाएं, तो इस चीज़ का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अपने विद्यालयों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में जनपद गोरखपुर में एक अभियान 15 दिवसीय चलाया है, जिसका नाम तरुण सुरक्षा है। इसके तहत हमने ट्रैफिक संबंधित और महिला अपराध संबंधित जितने भी कार्यवाही हैं हमारे अभियान चल रहे हैं उनको स्कूलों के माध्यम से जोड़ा गया है और इसी क्रम में हमने जितने भी चालक छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए स्कूलों में कार्य करते हैं उन सभी चालकों का मेडिकल कैंप लगवाया है पुलिस लाइन्स में, जहाँ पर कि उनका मेडिकल चेकअप विशेषकर कि आई चेकअप करवाया जा रहा है और इसमें जो लोग फिट होंगे उनको पुलिस की तरफ से प्रमाणित किया जाएगा, जो अनफिट होंगे उनके संबंध में संबंधित स्कूलों को और अभिभावकों को सूचना दी जाएगी, जिससे कि ऐसे लोग छात्र छात्राओं को जो वाहन है बाल वाहिनी उन्हें न चलाएं और इनके जो लाइसेंस हैं उनको पूरा चेक करके फिर से इसमें कार्रवाई की जाए।